नमस्कार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जुगनाथ जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सर्वानंद जी सोनवाल, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सभी पूरी दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस के लिए एक बहुत बड़े आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। मैं WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस का विशेष रूप से आभारी हूं। अभी डॉक्टर टेड्रोस ने भारत की प्रशंसा में जो शब्द कहे, मैं प्रत्येक भारतीय की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, एक प्रकार से त्रिवेणी का एहसास कराया है और हर भारतीय के दिल को छू लिया है, उसके लिए भी मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर टेड्रोस से मेरा परिचय पुराना है और जब भी हम मिले हैं, उन्होंने भारत के गुरुओं ने उसको कैसे शिक्षा दी, वो इतने गौरव से उसका उल्लेख करते हैं और इतना प्रसन्न चित्त अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और उनका भारत के प्रति जो लगाव है, आज एक संस्थान के रूप में यहां प्रकट हो रहा है। और वो मुझे कहते हैं कि मेरा चाइल्ड है, मैं आपको दे रहा हूं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपको इसका पालन पोषण करना है। मैं डॉक्टर टेड्रोस को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस भरोसे से भारत को ये जिम्मेवारी दी है और जिस उत्साह और उमंग से हमारे यहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस पूरी जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आशा और अपेक्षा के अनुसार हम खड़े उतरेंगे। मैं अपने अभिन्न मित्र और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री जुगनाथ जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरा उनके परिवार से भी करीब 3 दशक पुराना संबंध रहा है। जब भी मॉरिशस गया, उनके घर जाना, उनके पिताजी से मिलना, उनके परिवार के सबसे संपर्क, 3 दशक का ये पुराना नाता। और मुझे खुशी हुई है कि आज मेरे निमंत्रण वो मेरे होम स्टेट गुजरात में आए और उन्होंने भी गुजरात के साथ, गुजराती भाषा के साथ अपना नाता जोड़ करके हम सबका दिल जीत लिया है। अभी हमने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के भी विचार सुने। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं सभी का आभारी हूं। साथियों, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर के रूप में भारत के साथ एक नई पार्टनरशिप की है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के कंट्रीब्यूशन और भारत के पोटेंशियल दोनों का सम्मान है। भारत इस पार्टनरशिप को पूरी मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में ले रहा है। ये सेंटर दुनिया भर में फैली पारंपरिक चिकित्सा से सहयोग से दुनिया के लोगों को बेहतर मेडिकल
सॉल्यूशन देने में मदद करेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जामनगर की धरती पर डॉक्टर ट्रेडोस और पविंद्र जी की हाजिरी में ये सिर्फ एक भवन का शिलान्यास नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक संस्थान का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्व भर में प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करने वाले, परंपरागत चिकित्सा में विश्वास करने वाले हर किसी को कहना चाहता हूं कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कालखंड में ये जो शिलान्यास हुआ है वो शिलान्यास आने वाले 25 साल के लिए विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ कर रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि होलिस्टिक हेल्थ केयर के बढ़ते आकर्षण के कारण आने वाले 25 वर्ष में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया के हर परिवार के लिए अति महत्व का केंद्र बन जाएगा, इसका यह शिलान्यास है। और आयुर्वेद में तो अमृत कलश का बड़ा महत्व है, और अमृत काल में ये कार्य का आरंभ हो रहा है, इसलिए मैं एक नए विश्वास के साथ एक दुर्गामी प्रभावों का असर देख रहा हूं। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बहुत सुखद है कि इस ग्लोबल सेंटर की स्थापना हमारे जामनगर में हो रही है। जामनगर का आयुर्वेद से एक विशेष रिश्ता रहा है। 5 दशक से भी ज्यादा पहले जामनगर में विश्व की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। यहां एक बेहतरीन आयुर्वेद संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये ग्लोबल सेंटर वेलनेस के क्षेत्र में जामनगर की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देगा। साथियों, डिसीज फ्री रहना, निरोगी रहना जीवन की सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। साथियों, वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, ये हमने कोविड पैंडेमिक के इस दौर में अनुभव किया है। इसलिए विश्व को आज हेल्थ केयर डिलीवरी के नए आयाम की तलाश है। मुझे खुशी है कि इस साल के अवर प्लेनेट अवर हेल्थ ये नारा देकर WHO ने भारत का वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन को आगे बढ़ाया है। साथियों, हमारे यहां हजारों साल पहले रचित अथर्ववेद में कहा गया है, जीवेम शरदः शतम्, यानी 100 वर्ष तक जिए। हमारी परंपरा में 100 वर्ष की आयु की कामना बहुत सहज रही है, क्योंकि तब 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना अचंभित नहीं करता था। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की होती थी। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में हीलिंग और ट्रीटमेंट के अलावा
सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, एनवायरमेंटल हेल्थ, करुणा, सहानुभूति, संवेदनशीलता और उत्पादकता, सब कुछ इस अमृत कलश में शामिल है। इसलिए हमारे आयुर्वेद को जीवन के ज्ञान के रूप में समझा जाता है और हमारे यहां जितनी प्रतिष्ठा चार वेदों की है, वैसे ही आयुर्वेद को पांचवा वेद कहा जाता है। साथियों, आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, उसे पार पाने के लिए हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छी हेल्थ का एक सीधा संबंध बैलेंस्ड डाइट से है, हमारे पूर्वज यह मानते थे कि किसी भी रोग का आधा उपचार बैलेंस डाइट में छिपा होता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां इन जानकारियों से भरी हुई है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इन जानकारियों का आधार सैकड़ों वर्षों का अनुभव है, सैकड़ों वर्षों के अनुभव का संकलन है। जैसे हमारे यहां भारत में एक समय था जब विशेष रूप से मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग पर हमारे बुजुर्ग बहुत बल देते थे। समय के साथ हमने इसका उपयोग कम होते भी देखा और आजकल फिर से मिलेट्स की चर्चा बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करना मानवता के लिए बहुत हितकारी कदम है। एक्सलेंसी, अभी कुछ समय पहले भारत में जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ है, उसमें भी हमारी प्राचीन और पारंपरिक विद्या को ध्यान में रखा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने आयुष प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया। आयुष काढ़ा, इस नाम से आयुर्वेद आधारित काढ़ा खूब प्रचलित हुआ। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी फॉर्मुलेशंस की ग्लोबली भी बहुत डिमांड देखने को मिल रही है। दुनिया के अनेक देश आज पैंडेमिक से बचाव के लिए ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम के उपयोग पर बल दे रहे हैं। साथियों, आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के जो अनुभव है, उनको दुनिया के साथ साझा करना भारत अपना दायित्व समझता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों से लड़ने में भारत की योग परंपरा दुनिया के बहुत काम आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग प्रचलित हो रहा है और दुनिया भर में लोगों को मानसिक तनाव कम करने में, मन शरीर चेतना में संतुलन कायम करने में योग मदद कर रहा है। योग के दायरे का विस्तार करने में भी ये नया संस्थान अहम भूमिका निभाए, ये बहुत आवश्यक है। एक्सलेंसी, आज इस अवसर पर मैं इस ग्लोबल सेंटर के लिए 5 लक्ष्य भी रखना चाहता हूं। पहला लक्ष्य, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन का है
उनका डेटाबेस बनाने का है। अलग अलग देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की अलग अलग परंपराएं रही हैं। इस केंद्र में इन परंपराओं का संकलन करते हुए एक वैश्विक संग्रह यानी रिपोजिटरी बनानी चाहिए। ये केंद्र इन परंपराओं के जानकारों, मूल पद्धतियों के स्रोतों का अध्ययन करके भी उनका एक संकलन कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अलग अलग देशों में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मदद करती है। साथियों, जीसीटीएम को पारंपरिक औषधियों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बनाने चाहिए। ये आपकी संस्था का दूसरा लक्ष्य हो सकता है। इससे हर देश में लोगों का भरोसा इन औषधियों पर और बढ़ेगा। हम देखते हैं कि भारत की कई पारंपरिक दवाइयां विदेशियों को भी बहुत प्रभावी लगती है, लेकिन वैश्विक स्टैंडर्ड न होने की वजह से उनका नियमित व्यापार सीमित रहता है, इसलिए उनकी उपलब्धता भी कम रहती है। मुझे लगता है कि कई दूसरे देशों को भी इसी तरह की मुश्किल आती होगी। इस ग्लोबल सेंटर को इसके समाधान के लिए भी काम करना चाहिए। WHO ने भी हाल में आयुर्वेद, पंचकर्म और यूनानी के लिए बेंचमार्क डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। इसका विस्तार किया जाना भी जरूरी है। साथियों, GCTM एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां विश्व की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एक्सपर्ट्स एक साथ आए, एक साथ जुटे, अपने अनुभव साझा करें। इन प्रयासों को एक ग्लोबल सेंटर अपना तीसरा लक्ष्य बना सकता है। क्या यह संस्थान एक सालाना समारोह कर सकता है, कोई एनुअल ट्रेडिशनल मेडिसिन फेस्टिवल कर सकता है जिसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स चिंतन करें, अपनी पद्धतियों को साझा करें? साथियों, मैं समझता हूं इस सेंटर का चौथा लक्ष्य रिसर्च में निवेश से जुड़ा होना चाहिए। GCTM को ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च के लिए फंडिंग को मोबिलाइज करना चाहिए। हम देखते हैं कि आधुनिक फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च क्षेत्र में अरबों खरबों डॉलर्स उपलब्ध रहते हैं। हमें उसी तरह के रिसोर्सेज ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च के लिए भी तैयार करने चाहिए। पांचवा लक्ष्य ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़ा है। क्या GCTM कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विकसित कर सकता है जिसमें मरीज को मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों का फायदा मिले? अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इन प्राचीन विद्यालयों के इफेक्टिव इंटीग्रेशन से अनेक बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। साथियों, हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामय इस भावना से जीने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया एक ही परिवार है और ये पूरा परिवार हमेशा निरोगी रहे, ये हमारा दर्शन रहा है। आज WHO GCTM की स्थापना से भारत की ये परंपरा और समृद्ध हो रही है। WHO का यह केंद्र
विश्व भर में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाएगा। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं अब दोनों ही मेहमानों का समय निकालने के लिए, इस समारोह को ऊंचाई देने के लिए, इसका महात्म्य बढ़ाने के लिए हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।